महादेव ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करने वालों पर दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले एक बड़े जालसाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड निवासी समीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। समीमुद्दीन ने कई लोगों को धोखे में रखकर उनके खाते खुलवाए और उन खातों का इस्तेमाल महादेव बुक के लिए किया करता था। सबसे खास बात तो यह है, आरोपी नसीमुद्दीन की पत्नी के खाते में 6 करोड़ रुपए का बैलेंस मिला है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने दवाई दुकान की आड़ में बीते 1 साल से फर्जी खाता खुलवाकर इनका उपयोग महादेव ऑनलाइन सट्टा के पैनल में कर रहा है। आरोपी द्वारा उक्त पैनल का संचालन नागपुर एवं कोलकाता में कराया जा रहा है। इस काम के लिए आरोपी ने 15 व 20 हजार रुपए मासिक वेतन पर कर्मचारी रखे हुए थे। यही नहीं, वह अपनी पत्नी के खातों का उपयोग भी इस काम में कर रहा था। पुलिस ने जब आरोपी के पत्नी के खातों की जाँच की तो उसमें 6 करोड़ रुपए बैलेंस मिला। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी से 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 5 चेकबुक, 1 पासबुक, 2 ATM कार्ड बरामद किया गया है। इन खाते का दुरुपयोग महादेव रेड्डी अन्ना आदि ऑनलाइन सट्टा के पैनल का संचालन के लिए कर रहा था। इस मामले में कई पीड़ित भी सामने आए हैं, जिनकी शिकायत पर नसीमुद्दीन के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। महादेव बुक ऐप पर अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके बड़े हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पिछले 3 महीने में उनके द्वारा 12 पैनल ID जो है वो बेचे गए थे, जबकि 3 पैनल ID वो खुद चला रहा था। पंजाब, इंदौर, नागपुर में रहकर उसके द्वारा पैनल चलाए जा रहे थे। उसके पत्नी के अकाउंट में केवल 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। 9 पासबुक में 6 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांजेक्शन पाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि वो सीधा सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है उनके साथ बातचीत करते थे। उन्हीं के बताने पे उनके चाचा दिलीप चंद्राकर से वो आईडी खरीदा करते थे और आईडी बेचा करते थे। वो सेकेंड हैंड आईडी भी खरीद के बेचा करते थे, इससे उनको काफ़ी मुनाफा होता था। इनके द्वारा सौरभ चंद्राकर से बात करके जिन्होंने पैनल के पैसे वापस नहीं किए, पैसा वसूली का काम भी इन्होंने शुरू किया था और आपस में गैंगवार तक की स्थिति बन रही थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया, जिससे एक बड़ी आपदा जो है उसको हम रोकने में सफल। सर, कितनी ID 12 ID इसके द्वारा बेचा गया, 2 लाख से लेके 15 लाख तक में आईडी बेची गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।